नंबर वन मे तीन तारीख जाए बंद राज्यर समस्त विश्वविद्यालय प्रकाश पाइला संशोधित निर्देशनामा राज्य उच्चशिक्षा विभाग नियंत्रण व अधीन रही राज्य में परिचालित होता समस्त बेसरकारी और घर विश्वविद्यालय मानक सरकार साधारण प्रशासन विभाग पक्ष एक संशोधित निर्देशनामा जारी कर पूर्वरु जारी करा निर्देशनामा को खारज कर सरकार साधारण प्रशासन विभाग पक्ष जारी करा नूतन संशोधित निर्देशनामा कई नोभेल कोरोना भाइरस कोविड 19 रा संक्रमण को रोकवाई दुईट पर्यायर आसंता मे तीन तारीख पर्यंत जो लॉकडाउन घोषणा कर राज्यर समस्त बेसरकारी और घर विश्वविद्यालय मैंने कड़ाकड़ी भाव में पालन करेंगे एवं अनुष्ठान को संपूर्ण रूपे बंद रखे तेज जदि यही समय मध्यरे जदि कौन प्रकार अत्यंत जरूरी दाप्तरिक कार्यर आवश्यकता उपजे तेबे से क्षेत्र में संपृक्त विश्वविद्यालय कुलपति समकक्ष अन्य वरिष्ठ अधिकारी ग्रुप ए र शिक्षक और अणशिक्षक ग्रुप बी ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी कार्यालय को डकाई पारे तेज एम संख्या अनुष्ठान कार्यरत थिबा मोट कर्मचारी संख्यार 10% रु अधिक हेबना। नंबर टू लॉकडाउन समय चाषी दुख दूर करने को राज्य सरकार नुआ निष्पत्ति एणिक ऑनलाइन रे बिक्री करें पनीपरिया फलमूल चाषी कोरोना मुकाबला जारी रही लॉकडाउन समय चाषी भाई माने विभिन्न समस्या सम्मुखीन होती राज्यर विभिन्न कोण अनुकोण चित्र प्रतिदिन सामना को आसुच्छे समस्या को दूर करने को सामाजिक दूरता बचा रखी सरकार आरंभ ऑनलाइन रे परिबा बिक्री पनीपरिया और फल चाषी कष्ट उपार्जित परिश्रम को बिक्री बटा करने राज्य कृषि मंत्री तत्वावधान ओडी हॉट मार्केटिंग डॉट एनआईसी डॉट इन वेबसाइट रो शुभारंभ करिछंती एहादरा राज्यर 30 जिलार उद्यान विभाग जिला स्तरीय अधिकारी माने तांको जिलार बड़का उत्पादित द्रव्य को वेबसाइट रे दर्शाइबे जहां कि संपृक्त व्यवसायी मानक उपलब्ध हो पारिबो एवं सामान्य विभाग जिला स्तरीय कर्तृपक्ष सह जोगाजोग करी चासी माने निज उत्पादित द्रव्य को उचित मूल्य रे बिक्री करि पारिबे। नंबर 3 राज्यर सीमा जगिबा दुस्साध्य पंचायत मैंने चाहिए पड़ोसी राज्यर आसुवा लोक चिन्हट करें और कोरोना बचाई पारे बाक्सी कोरोना मुकाबला राज्यर सीमा जगिबा दुस्साध्य काम ओडिशार सीमा को पश्चिमबंग झारखंड छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश लगी पड़ोसी राज्य सह लगी ओडिशार सीमा हेउछि मोट 3563 किलोमीटर यह सीमा मध्यरे घन जंगल और समुद्र मध्य रही तेणु सुदीर्घ सीमा जगिबा सहज नुहे राज्य कोविड 19 मुख्य मुखपात्र सुब्रत बागचाची सांबादिक सम्मेलन में यह सूचना देते श्री बागची कहते ओडिशार सीमा को पंचायतवासी ही जगि पारे कारण पंचायत गांव गुड़िक अन्य राज्यर सीमा गुड़िक लगि रही स्थानीय नागरिक मैंने निकटस्थ गांवर लोक भल भाव जानते से चाहिए बाहर राज्य तथा बाहर राज्यर संजोग कर रास्त आसुवा लोक निज गांव को प्रवेश दे नपारती यहाद्वारा अगर राज्य आसुवा लोक चिन्हट करोना संक्रमण रोकवा क्षेत्र में उपयुक्त पदक्षेप नहीं हेब। नंबर 4 लॉकडाउन क्षतिभरणा रेल विभाग काटिब 13 लाख कर्मचारी दरमा भाइराल होता खबर मिथ्या संप्रति देश में नोभेल कोरोना भाइरस कोविड 19 संक्रमण को रोकवाई उभय केन्द्र सरकार आरंभ कर राज्य सरकार मैंने राति दिन ए करता बेले सामाजिक गणमाध्यम सोशल मीडिया रे भाइराल होता गोटे गोटे मिथ्या खबर व फेक न्यूज सरकार को समस्या पकड़ सरकार चिंता को बढ़ाई दे क्रम गत सोमवार दिन सोशल मीडिया में गोटे खबर खूब भाइराल होता खबर टीला देश में कोरोनार संक्रमण को रोकवाई सरकार गत मार्च 24 तारीख ठार् समग्र देश में लॉकडाउन घोषणा कर एवं एही लॉकडाउन मे मास 3 तारीख पर्यंत बलबत्तर रहिब लॉकडाउन कारण रेल चलाचल संपूर्ण ठप हो पड़ा रेल विभाग घोर आर्थिक क्षतिर सम्मुखीन होइछे तेबे एही क्षतिर आंशिक भरणा पई रेल विभाग रे कार्यरत 13 लाख अधिकारी व कर्मचारी दरमा काट पई रेल विभाग कड़े निष्पत्ति ग्रहण करिछे तेबे चिंता करिवार कोनोसे कारण नाही एहा एक मिथ्या खबर। नंबर 5 मुख्यमंत्री चेतावनी डाक्तर व स्वास्थ्यकर्मी को आक्रमण कले आक्रमणकारी विरोध में एनएसए लागू हेब संप्रति देशर विभिन्न अंचल में कोरोना मुकाबला लागि कार्यरत डाक्तर और स्वास्थ्यकर्मी को आक्रमण कराउथिबा परिलक्षित होइछे एहाको आखिरे रखि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चेतावनी दी कहिछन्ति जे डाक्तर स्वास्थ्यकर्मी प्रति आक्रमण राज्य प्रति आक्रमण सदृश डाक्तर को आक्रमण कले कार्य बाधा देने कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण होपरिक आक्रमणकारी विरोध में एनएसए लागू होगा से कहते से भिडियो बार्तार यह घोषणा कर मुख्यमंत्री कहते समग्र मानवजाति कोरोना भाइर सहित लड़े करस मध्य विश्वर 2 लाख अधिक लोक जीवन हर अधिकांश देश यही अदृश्य शत्रु सहित युद्ध स्थित अच्छा यह युद्ध को आम डाक्तर और स्वास्थ्यकर्मी मैंने आगधाड़ी में लड़े करुँचु नवेदन करुच्ची जे एक संप्रदाय भाव में जो डाक्तर स्वास्थ्यकर्मी और अन्यान्य सहकर्मी मैंने सेवा जगाऊँ कठिन और निस्वार्थपर सेवाई आम से निकट में कृतज्ञ होगा उचित दयाक मन रखुद विरोध में जेकोसी कार्य राज्य विरोध में कार्य अटे
जदि कौनसी व्यक्ति एभली कार्य लिप्त रहिबे जहां से कार्य व्याघात सृष्टि करिबे किंबा असम्मान करिबे तबे जातीय सुरक्षा आईन रो धारा को अंतर्भुक्त करिबा सहित से विरोध में अति कठोर अपराधिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। नंबर 6 लॉकडाउन नियम उल्लंघन कर थाना अधिकारी श्रीमंदिर दर्शन कराइबा घटन सेवायत को कारण दर्शा नोटिस जारी। निलंबित जाजपुर जिलार बड़चणा थाना अधिकारी दीपक कुमार जेना सपरिवार दर्शन पर श्रीमंदिर को नहीं घटन सेवायत लक्ष्मीनारायण पूजा पंडा श्यामा पूजा पंडा को आज श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष कारण दर्शा नोटिस जारी कर प्रशासन पक्ष नोटिस उत्तर 7 दिन भितर रखा कहुई आज सका सिंहद्वारा पुलिस लक्ष्मीनारायण पूजा पंडा को गिरफ्त कर। निलंबित थाना अधिकारी दीपक कुमार जेना सपरिवार दर्शन पर क्यों सेवायत मैंने सहयोग करते खोलताड़ आरंभ होता उल्लेखयोग्य लॉकडाउन जो श्रीमंदिर में भक्त प्रवेश कड़ा कटका को खातिर नक और सुरक्षा बल को भेद कर तत्कालीन जाजपुर जिला बड़चणा थाना अधिकारी दीपक कुमार जेना निज पर श्रीमंदिर को प्रवेश करते कड़ा पहरा सत्वे श्रीमंदिर को प्रवेश कर महाप्रभु दर्शन सारी फेरला बेले दक्षिण द्वार में नूतन पुलिस हाथ में धरा पड़ते पुलिस कर्मचारी परिचय दे श्रीमंदिर में प्रवेश करते साधारण लोकों चाप से सिंहद्वारा पुलिस थाना अधिकारी श्री जेना और तांको परिवार को अटक रखा सह मामला रुजु करने को बाध्य होता। नंबर 7 रमजान पालन काल में हो पारे सामूहिक प्रार्थना किंवा इफ्तार मार्गदर्शिका जारी कले केन्द्र सरकार। मुसलमान मानक पवित्र रमजान मास आसंता 23 तारीख ठार आरंभ हो जाए तबे संप्रति देश में नोवेल कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमण को रोकवाई केन्द्र सरकार पक्ष समग्र देश में लॉकडाउन घोषणा करेक्षी रमजान पालन काल में मस्जिद मानक सामूहिक प्रार्थना किंवा सामूहिक इफ्तार पार्टी आयोजन करना केन्द्र सरकार गृह मंत्रालय पक्ष एक निर्देशनामा जारी कर बदल में समस्ते निज निज घरे प्रार्थना बा नमाज करने इफ्तार करे एथसह केन्द्र सरकार गृह मंत्रालय पक्ष देशर समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल मुख्य शासन सचिव मानक निकट को एक मार्गदर्शिका पठाइवा सह एही निर्देशनामा को कड़ाकड़ी भाव में कार्यकारी करने को परामर्श दिया जाए। नंबर 8 COVID-19 राज्यर 62 मठ मंदिर देवे 1,37,00,000 टंका। COVID-19 मुकाबला आगे आसे ओडिशा मठ मंदिर राज्यर 62 मठ मंदिर पक्षर मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि को कोरोना सहायता प्रदान देवतर कमिशनर जरिया देवे 1,37,00,000 टंका। घटका तारिणी रायगड़ा मछी खरियाणी मंदिर पक्षर 20,00,000 टंका दिया सत्यवादी गोपीनाथ देवे 20,00,000 काकटपुर मंगला मंदिर पक्षर 10,00,000 टंका दिया जगत सिंहपुर गोरखनाथ 10,00,000 क्षीरचरा गोपीनाथ मंदिर पक्षर 5,00,000 टंका प्रदान। नंबर 9 मदपी काम को कले चाकरी हरइबे विधानसभा कर्मचारी। कोरोना मुकाबला नहीं लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे सबु राज्यर बाचस्पति आलोचना करिछन्ति। भुवनेश्वर स्थित एनआईसी कार्यालय में उपस्थित रही बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे भाग नहीं कोरोना मुकाबिलारे विधायकों भूमिका उपरे आलोचना होता जनाई एभली घड़ीसंधि मुहूर्त में विधानसभा दायित्व और कर्तव्य नहीं आलोचना होता सूचना मिली। लोकसभा बाचस्पति आलोचना पर ओडिशा बाचस्पति सूचना दे कहते बाहर राज्य में श्रमिकों पर विधानसभा स्वतंत्र हेल्प डेस्क खोल संपर्क में तथ्य मिले थैथान निम्ते तुरंत पदक्षेप निपटे मदपी कौन कर्मचारी आसे से चाकरी जीवसह विधानसभा परिसर में पान सिगारेट छेप पकड़ा उपर कटक लगती बाचस्पति लोकसभा बाचस्पति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सब सूचना देखते। नंबर 10 को जवा पूर्व आपण मान अनुरोध भिडियो शेष पर्यटन देखु कारण भिडर शेष रही आज राशिफल किंतु ता पूर्व भिडियो को लाइक कर दिंतु कारण आपणकर गोटे छोट लाइक आम को नूतन भिडियो बनवाई प्रोत्साहित करें। नंबर 10 ट्रंप बड़ निष्पत्ति एणिक आमेरिकार रही पारे बाहर लोक महामारी कोरोना जो उत्पन्न संकटर सम्मुखीन होता आमेरिका एवं बड़ निष्पत्ति एणिक आमेरिकार कौन विदेशी नागरिक बसवास करें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करीट कर वर्तमान आमेरिका अदृश्य शत्रु सह लड़े करुचे लड़े सह आमको महान आमेरिका नागरिकों निजुक्ति कथा चिंता करने को दृष्टि रखी मु आमेरिकार प्रवेश आवश्यक इमिग्रेसन भिसा को अस्थायी भाव में बातल करने निष्पत्ति कार्यकारी करने मुझ्र एक एक्जिक्यूट अर्डर दस्तखत करी यहाद्वारा आमेरिकार बाहर लोक मैंने अवस्थान करें निर्देशनामार अर्थ एही आदेश बलबत्तर थिबा चाहे बाहर देश नागरिक माने अमेरिकार नागरिकता पाई किंबा एथिपाई आवेदन करें अमेरिकार चाकरी और व्यवसाय करने अनेक लोक जाते किसी वर्ष सेठे रहिबापर से अमेरिकार नागरिकत्व ग्रहण करनी। नंबर 11 3 डाक्तर और 19 स्वास्थ्यकर्मी को क्वारंटाइन रखिला जाजपुर जिला प्रशासन।
ଯାଜପୁରରେ 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଓ 19 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ରୋଗୀ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଯାଜପୁରରେ ଅପରାଧ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 3 ବ୍ଲକ, 7 ପଞ୍ଚାୟତର 13 ଗାଁକୁ ଅପରାଧ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଆଉ 5 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ର ପରିସୀମା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅପରାଧ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା। ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀର 49 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ COVID-19 ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। COVID-19 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସକାଶେ ଆପଣା ଯାଇଥିବା ଏହି ଥେରାପିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସହରର ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ 49 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ମାସ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ସକାଶେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିକୁ ନେଇ ବେଶ କିଛିଦିନ ହେବ ଗବେଷକମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭାଇରସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଦେହରୁ ପ୍ଲାଜମା ଅଣାଯାଇ ଗୁରୁତର ଥିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଦିଆଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗବେଷକମାନେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି କହୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଭାଇରସ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଅଣାଯାଇ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଦେହରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର 49 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହେବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। Number 13, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପରେ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା, ମିଳିଲେ ସଂକ୍ରମିତ କର୍ମଚାରୀ। ଦିଲ୍ଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପରେ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟରେ ଏବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ହାଉସ୍କିପିଂ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପରିସରରେ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ସଫେଇ କର୍ମୀଙ୍କ ବୋହୂ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହୁଥିବା 125 ପରିବାରଙ୍କୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। Number 14, ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କର ହେବ COVID-19 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା, 14 ଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ନୋଭେଲ କରୋନା ଭାଇରସ ବା COVID-19 ଏବେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଜନୈକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କର କରୋନା ବା COVID-19 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବା ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତର ଫୈଜାଲ ସୁଲତାନ କହିଛନ୍ତି। ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ, ପାକିସ୍ତାନର ଜନୈକ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଇଧି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବଦୁଲ ସତାର ଇଧିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଫୈଜାଲ ଇଧି ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଫେରିଥିଲେ। ଫୈଜାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଯିବା ପରେ ସେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ରୂପେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଯେହେତୁ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କରୋନା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବା ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତର ଫୈଜାଲ ସୁଲତାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି 22 ଏପ୍ରିଲ ବୁଧବାର, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 12 ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। Number 1, ମେଷ। ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି କାମକୁ ସହଜରେ କରିବା ସକାଶେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅନୁକୂଳ ପାଇପାରିବେ। ତଥାପି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେତୁକ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରି ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ପାଖରେ ନଥିବା ଜିନିଷଟି ପାଇଁ ତର୍କ ଓ ବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ। Number 2, ବୃଷ। ଆଜି ଦିନଟିରେ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କାମକୁ ଅବହେଳା କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନଟି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଅବଶ୍ୟ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ ମନରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭରିପାରେ। Number 3, ମିଥୁନ। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ମାନ୍ଦା ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ସହଯୋଗ ଭାବରୁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ହୋଇପାରେ। Number 4, କର୍କଟ। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଗାମୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ମନକୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୃହପଯୋଗୀ ଜମିଜମା ସକାଶେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। Number 5, ସିଂହ। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନରେ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। Number 6, କନ୍ୟା।
चित्रा नक्षत्र बंधु मानक कार्यकलापर असंतुष्ट होई समानक प्रति रहितबा भल धारणा क्रमशः ह्रास पाई पारे। पदाधिकारी चापरे कर्मक्षेत्र में गुरुदायित्व बहन करने को पड़ धार सूत्र में अर्थ आने को पड़पे स्वास्थ्य समस्या को प्रयत्न नक अवहेला कले अनुताप करने को पड़ नंबर सेभेन तुला विशाखा नक्षत्र निकटस्थ कौन व्यक्तिशेष समस्या कारण साजि पारती अन्य शत्रुता कले आपण कर्मक्षेत्र में अपमानजनक स्थिति सहसा रक्षा पाइबे परिस्थिति एपरी हेबे इच्छा नथिले बाध्यबाधकत केतक काम करने को पड़ नंबर एट पिछा अनुराधा नक्षत्र आशा पूरण पर अनुकूल परिवेश सृष्टि हेबो मूल्यवान द्रव्य लाभ संघ को अर्थ व सम्मान पाइबे एवं राजनैतिक स्तर में नेतृस्थानीय व्यक्तिशेष द्वारा उपकृत हो पारती पारिवारिक क्षेत्र में मतांतर जनित कारण अशांति आसिबो। नंबर नाइन धनु उत्तराषढ़ नक्षत्र सकाशे नूतन कार्यारंभ पर कौन असुविधा रही ना अधिकांश क्षेत्र में पर उपर निर्भर कर चिंतित हे भूल निष्पत्ति नहीं पारती शिल्प वाणिज्य व्यवसाय पर समय भल रही कर्मक्षेत्र और पारिवारिक जीवन सकाशे केतक व्यतिक्रम देखादेव। नंबर टेन मकर व्यवहार में चेहकी उठी अनर्थ घटाई पारती व्यवसाय और परिवहन में समस्या सरल समाधान करेंगे अपराह आशा करुवा जिनसटी पाई खुशी हो पारती नूतन कार्यारंभ कला साहित्य सांबादिकता वक्तृता और सामूहिक आलोचना दिनोटी बहुत भल। नंबर इलेवेन कुंभ शतभिषा नक्षत्र पारिवारिक समस्या मानसिक स्थिति को कलुषित करे अन्य आपण जिते उपकार करना कहीं कथा को पछक पक निजर लोक मैंने स्वार्थ साधन को गुरुत्व देते वाणिज्य चलचित्र समस्या समाधान हो। नंबर ट्वेल्व फिमिन कार्यदक्षतार असल परिचय प्रदान कर प्रशंसित हे आत्मीय सजनादी विरुद्धाचरण केतक समस्या सृष्टि करे सामाजिक स्तर में आनुष्ठानिक किंवा धर्मानुष्ठान कार्य नेतृत्व नहीं पारती पारिवारिक परिस्थिति पूर्वपरि रहिबो अवश्य भल नहले विशेष मंद हेबना।